यहाँ के दो स्क्रू खोल दे हुए ये कवर निकल जाता है, ऐसे स्लिप करके इसे निकाल दो। उसके बाद यहाँ के जितने साइड 8, 9 स्क्रू खोलने के बाद ये टोटल 10 स्क्रू लगे रहते हैं, ये बाहर हो जाएगा। अब बसता है ये, इसके एक दो, पहले तो ये खुला ही रहता है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्क्रू निकालोगे इसका डिस्प्ले भी बाहर। बॉडीज डिस्प्ले में ये थोड़ा ऐसा मैटर शो नहीं होता, तो दोनों को रिप्लेस करके देख क्या करेंगे, इसका जो वाइट बॉडी है ये वाला इसमें डाल देंगे और इसका इसमें डाल देते हैं। ओके चलो ट्राई करके। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है एग्जैक्टली, इसमें अगर ध्यान देंगे आप तो ये डिस्प्ले तो ठीक है, बट इसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं लाइन लाइन। और सेकेंड थिंग, अभी ये इसका ये यूनिट लोअर यूनिट इसके साथ रिप्लेस करें। ओके इसको इसके लॉक खोलते हैं, इसके सारे लॉक खोलेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाए। ध्यान देने का कोई लॉक बैलेंस ना रहे, नहीं तो वो रोक लेते हैं, खुलने नहीं देते ठीक से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा देते हैं जिस तरह से आपको पकड़ने में जमे, जहां से प्रॉपर लगे तो वहां से उठाइए इसको हम। और उसके पहले ये क्लिप निकालिए, इसको मैंने थोड़ा टेप लगा दिया है। अब बारी आ गई इसकी, इसे खोलते हैं। इसके भी सारे लॉक खोलने के बाद इसको थोड़ा फ्री कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से चिपकाया रहता है ग्लू से। ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते तो फिक्स हो जाता है। एग्जैक्टली इसका ही कलर गया है, ग्लास का ही कलर उड़ गया इसलिए ऐसा। ओके हम इसे साफ करेंगे, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लासी वाइट है। मुझे लगा यहाँ कुछ वाटर वोटर चला जाता है तो उसके कारण हम इसको चेंज करके वो क्लियरेंस कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली इसमें इश्यू है, इसका कलर चला गया है। इस पर एक प्लेट रहता है जा चुका है,
सपोर्ट दे देते हैं, सेंटर सपोर्ट, इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। और ऐसा देखेंगे तो कोई बदलाव अभी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये ग्लास ही इसका खराब है।